हिंसा की आग में झुलसा मणिपुर। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भड़की हिंसा। कुकी और मैतेई जनजाति में हक की लड़ाई। आरक्षण पर रार, कुकी मैतेई में तकरार। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर एक बार फिर से हिंसा की आग में झुलसा है। मणिपुर हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद पूरा राज्य हिंसा की आग में सिमट गया। भीड़ ने प्रदेश के गांवों पर हमला किया। मणिपुर हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद से पूरा राज्य हिंसा की आग में समा गया है। भीड़ ने प्रदेश के गांवों पर हमला किया, घरों में आग लगा दी, दुकानों में तोड़फोड़ की। पूरे राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। इस पूरी हिंसा की वजह मणिपुर हाई कोर्ट का एक आदेश था। इस आदेश में हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि वो 10 साल पुरानी सिफारिश को लागू करे, जिसमें गैर जनजाति मैतेई समुदाय को जनजाति में शामिल करने की बात कही गई थी। मणिपुर उच्च न्यायालय ने 20 अप्रैल को राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वो मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में शामिल करने के अनुरोध पर 4 सप्ताह के भीतर विचार करें। कोर्ट ने कहा कि सिफारिश को केंद्र के पास विचार के लिए भेजा जाए। मैतेई को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने के कदम के विरोध में कुकी संगठनों ने आदिवासी एकजुटता मार्च निकाला। मार्च के बाद हिंसा भड़क गई। विरोध के पीछे मुख्य कारण ये था कि मैतेई एसटी का दर्जा चाहते थे। मैतेई मणिपुर में प्रमुख जातीय समूह है और कुकी सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है। मणिपुर में 16 जिले हैं। राज्य की जमीन इम्फाल घाटी और पहाड़ी जिलों के तौर पर बंटी हुई है। इम्फाल घाटी मैतेई बहुल है। मैतेई जाति के लोग हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। पहाड़ी जिलों में नागा और कुकी जनजातियों का वर्चस्व है। 4 पहाड़ी जिलों में कुकी जाति का प्रभुत्व है। मणिपुर की आबादी लगभग 28 लाख है। इसमें मैतेई समुदाय के लोग लगभग 53% हैं। मणिपुर के भूमि क्षेत्र का लगभग 10% हिस्सा इन्हीं लोगों के कब्जे में है। ये लोग मुख्य रूप से इम्फाल घाटी में बसे हुए हैं। कुकी जातीय समूह मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का विरोध कर रही है। कुकी जातीय समूह में कई जनजातियां शामिल हैं। मणिपुर में मुख्य रूप से पहाड़ियों में रहने वाली विभिन्न कुकी जनजातियां वर्तमान में राज्य की कुल आबादी का 30% हैं। कुकी जनजाति मैतेई समुदाय को आरक्षण देने का विरोध करती आई है। कुकी जनजातियों का कहना है कि अगर मैतेई समुदाय को आरक्षण मिल जाता है तो वे सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले से वंचित हो जाएंगे। कुकी जनजातियों का ऐसा मानना है कि आरक्षण मिलते ही मैतेई लोग अधिकांश आरक्षण को हथिया लेंगे। अनुसूचित जनजाति मांग समिति मणिपुर बीते 10 सालों से राज्य सरकार से आरक्षण की मांग कर रहा है। किसी भी सरकार ने इस मांग को लेकर अब तक कोई भी फैसला नहीं सुनाया। आखिरकार मैतेई जनजाति कमेटी ने कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने इस मांग को लेकर राज्य सरकार से केंद्र से सिफारिश करने की बात कही है। इस सिफारिश के बाद ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने विरोध जताना शुरू कर दिया। मैतेई ट्राइब यूनियन की एक याचिका पर 19 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। सुनवाई पूरी होने के बाद 20 अप्रैल को मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने की बात कही। मामले में कोर्ट ने 10 साल पुरानी केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय की सिफारिश पेश करने के लिए कहा था। सुनवाई में कोर्ट ने मई 2013 में जनजाति मंत्रालय के एक पत्र का हवाला भी दिया था। इस पत्र में मणिपुर की सरकार से सामाजिक और आर्थिक सर्वे के साथ जातीय रिपोर्ट के लिए कहा गया था। शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर यानी एसटीडीसीएम 2012 से ही मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने की मांग करता आया है। हाई कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने ये बताया कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ, उससे पहले मैतेई को जनजाति का दर्जा मिला हुआ था। दलील ये थी कि मैतेई को जनजाति का दर्जा इस समुदाय, उसके पूर्वजों की जमीन, परंपरा, संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए जरूरी है। घाटी राज्य का सबसे ज्यादा आबादी वाला हिस्सा है। इसमें न केवल मणिपुर की 35 जनजातियों के लोग
बल्कि देश के अन्य हिस्सों के प्रवासी भी रहते हैं। बाकी की जनसंख्या पहाड़ी जिलों के 90% भूमि क्षेत्र में बिखरी हुई है। इन जिलों में आरक्षित वन क्षेत्र है। इस साल मार्च में कई मणिपुर संगठनों ने 1951 को आधार वर्ष मानते हुए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC के कार्यान्वयन के लिए नई दिल्ली में जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन किया। कई संगठनों का दावा है कि मणिपुर में 24.5% की वृद्धि दर के साथ अचानक जनसंख्या वृद्धि देखी जा रही है। इन संगठनों ने ये दावा किया कि मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में जनसंख्या में तेजी से उछाल आया है। ऐसे में ये संगठन NRC को मणिपुर के हित में बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये राज्य की सामाजिक सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए जरूरी था। इसी कश्मकश में मणिपुर चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।